हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को ओबेसिटी के बारे में बताएंगे, मोटापा। तो लोग मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लगभग अधिकतर लोग इस मोटापे से परेशान हैं। तो मोटापा ये क्यों हो जाता है? पहला चीज़, लोग सोचते हैं कि हम जो खा रहे हैं, जो सब खा रहे हैं, मोटे नहीं, मोटे हो गए, वो मोटे नहीं हो रहा है। लेकिन उसका एक कारण है कि आप कार्बोहाइड्रेट जो फूड है वो ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, जैसे आलू ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में चीनी ले रहे हैं, ये सब चीज़, तेल वाला चीज़ बहुत खा रहे हैं। ये सब चीज़ खाने से मोटापे के आप शिकार हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर आप खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ उतना वर्क भी कीजिए। सुबह में मॉर्निंग वॉक कीजिए, 5 किलोमीटर जाइए, 5 किलोमीटर आइए, मतलब कि उतना तो भी नहीं, तो 6-7 किलोमीटर सुबह में आप घूमिए और खाना आप ठीक से खाएं। फास्ट फूड ये सब ज़्यादा चीज़ नहीं लें। ज़्यादा लोग ये भी देखने में मिला है कि बस हम खाना खाएंगे नहीं, हम लेट से खाएंगे तो हम पतले रहेंगे, लेकिन वैसा भी नहीं होता है। खाली पेट के दौरान, खाली पेट लेने से मोटापा बढ़ता है। तो इसका फैक्टर बहुत सारे हैं। पहला तो हो गया कार्बोहाइड्रेट वाला फूड, सब हो गया, फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब चीज़ फूड के भी जो भी सामान में वो सब हो गया। उसके बाद जेनेटिकल प्रॉब्लम भी इसमें आता है। तो और भी बहुत सारे चीज, लेकिन बस एक कॉमन से जान लीजिए कि आप फास्ट फूड, आलू है, ये सब चीज़ ज़्यादा है, तलेगा चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, कॉमन चीज़ आप उस हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप मोटापे का शिकार हो। तो अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो बस हम इजी वे लैंग्वेज में बोल रहे हैं, क्या बोलने के पहले थोड़ा लगता है कि उचित नहीं बोले, उचित नहीं बोले, लेकिन आपको जो बता रहे हैं मोटापे के बारे में, उस चीज़ को जान जाइएगा कि खाना में जो भी खाएं सेलेक्टेड चीज़ खाएं, ज़्यादा ऑयली फूड ना लें और खाना टाइम पे खाएं, खाना ओवर डोज ना लें, ये सब चीज़ का ध्यान रखें। सुबह में उठ करके मॉर्निंग वॉक आप जरूर करें, पानी आप खाना खाएं लेकिन पानी भी खूब आप पिएं। ये नहीं कि बस खाने से पेट भर लेना है, पानी बस से घूट लिए, लेकिन खाना भी लें तो पानी भी प्रॉपर लें। तो कहने का मतलब है कि ओबेसिटी मोटापे का होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर मेडिसिन है और बहुत ही अच्छा वर्क भी करती है। तो इसका एक मेडिसिन आता है कल्केरिया कार्ब, स्वावे कंपनी की है, जो एसबीएल का ही मिलेगा, बहुत सारा कंपनी का होता है, स्वावे कंपनी का। ऐसे हम अपना तजुर्बा चलाते हैं, स्वावे कंपनी का आप 200 पावर में है। इसे आप सुबह 4 बूंद और शाम को 4 बूंद खाएं और इसके साथ फाइटोलैक का बेरी, WSI कंपनी का आता है, जो माय पॉइंट ऑफ तजुर्बा के अनुसार बता रहे हैं, जो बहुत ही बेटर काम करती है। एक गोली सुबह, एक गोली शाम खाएं, खाने के पहले, खाने के आधा घंटा पहले लिए, उसके बाद खाना खाएं। तो ये 2 दवा खाएं। अब मोटापा है कि थायराइड के वजह से भी बढ़ जाता है। मोटापा जो है जेनेटिकल भी प्रॉब्लम होता है, तो थायराइड के ही वजह से थोड़ा थायराइड को आप शुरू में तो ये दवाई लें, अगर ऐसा नहीं, अगर घट रहा है तो थायराइड का आप चेकअप करवा लें। जेनेटिकल जो देख रहे हैं तो जेनेटिकल जहाँ से आप दिखा रहे हैं वहाँ पर बोलेंगे हमको जेनेटिकल प्रॉब्लम है, तो होम्योपैथिक में जेनेटिकल जिन को भी तोड़ने के लिए उसके लिए स्पेशल दवा आता है, जो बहुत ही बेटर काम करती है। लेकिन सब दवा तो ठीक है, लेकिन आपको सुबह में मॉर्निंग वॉक करना होगा।
आपका शरीर मूवमेंट करना होगा। अगर शरीर से वर्क नहीं कीजिएगा, बस खाए और ये खाना खाए और दवाई खाए, आपको ये मोटापा मेरा खत्म हो गया, वो